किसी भी कलर की शिमला मिर्च जो होती है, रेड, येलो, ग्रीन, वो सारे के सारे शिमला मिर्च भी आप ग्रो कर सकते हो, और जो हरी मिर्च होती है आप वो भी ग्रो कर सकते हो। तो ज़रूर अपने गार्डन में ये सारी चीज़ें ग्रो करके देखो, रिजल्ट जो है वो 100% मिलेंगे ही। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, आप देख रहे हो सिटी किटवाड़िया चैनल। तो देखिए, मेरे छोटे छोटे से पौधे आपको दिख रहे हैं ना, ये हमने सीड ग्रो किए थे, ये सीड ग्रो हो चुके हैं। जर्मिनेशन अच्छा है, बट ज़्यादा ठंड की वजह से अभी ये ग्रो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरी तुलसी माता का वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, और इतनी भयंकर नॉर्थ इंडिया में इतनी सर्दी हो रही है ना, बहुत कड़ाके वाली सर्दी, मतलब हार्ड जमादे ऐसी सर्दी हो रही है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ना, घरेलू भाषा जिसको बोलूँ मैं, बोलचाल की नॉर्मल, वैसी सर्दी हो रही है। मतलब पानी में जाते ही ना हाथ ऐसे जम जाते, बहुत भयंकर वाली सब सर्दी हो रही है। उस भयंकर सर्दी में आप देखो मेरी तुलसी माता कितनी शाइनी ग्रीन है, और जगह देख लो, बिल्कुल वही जगह है जिस जगह मैंने इसका वीडियो बैठ कर शूट किया था आज से 1-1.5 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 1-1.5 महीना चुका होगा। तो मैंने इसकी केयर टिप्स बताई थी कि कैसे आप अपनी तुलसी माता को विंटर में बचा सकते हो सूखने से। ठीक है, तो वो हम जितने भी इंडियंस हैं, हमारे घर में तुलसी माता ज़रूर होती है, वो वीडियो ज़रूर देखो, इस पर वो सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दो, आपकी तुलसी माता फिर से हरी भरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप कौन कौन सी सब्जियाँ जो विंटर वाली हैं, जो दिसंबर के एंड तक आप ग्रो कर सकते हो, इसके बाद वो सारी सब्जियां ग्रो नहीं होंगी, क्योंकि विंटर वाली सब्जियों को कम से कम 1.5 से 2 या 2.5 महीने का टाइम लगता है रेडी होने के लिए, आपको फ्रूटिंग देने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा कंटेनर देखो, मेथी ग्रो कर रखी है, आप भी मेथी लगाओ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मेथी है, ओनियन मैंने ग्रो कर रखा है, ओनियन लगाओ। तोरी देख लो, इस पर तोरी बहुत सारी आ रही हैं, पहले भी दिखा चुकी हूँ, हालांकि इस टाइम तोरी ग्रो नहीं होंगी। ठीक है, ये तो बस बाय चांस लग गई है और अच्छी चल रही है। ठीक है, ये विंटर की नहीं है, ये समर की है। उसके बाद यहाँ पर देखो टमाटर, देखो फ्रेंड्स मेरे गार्डन में धूप की दिक्कत है, मेरे गार्डन में सिर्फ मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सब्जियां ग्रो नहीं कर पाती हूँ, कोशिश जी जान से करती हूँ, बट धूप की कमी की वजह से नहीं ग्रो हो पाती है। तो देखो यहाँ पर आप टोमेटो ग्रो करके देखना, प्याज मैंने आपको दिखा ही दी है, देखो टमाटर बहुत सारे मैंने लगाए हैं और सब हेल्दी हैं, चल रहे हैं। उसके बाद आप मटर लगाओ, मूली, गाजर, मेथी, बथुआ, पालक और शक्करगंदी जिसे बोलते हैं ना, स्वीट पोटैटो, शक्करगंदी लगाओ, बीटरूट लगाओ। ये देखो बीटरूट को मैं रोज़ जहाँ मैं आकर बैठती हूँ ना, एक मेरा फोल्डिंग टाइप का है, ये देखो इसके ऊपर रखती हूँ कि इस पर मुश्किल से 15-20 मिनट की धूप लग जाए, क्योंकि अब ये धूप ऊपर जा रही है। ठीक है, छोटे छोटे से प्लांट आपको दिख रहे होंगे, टोमेटो का प्लांट, मेरे गार्डन में इस बार टोमेटो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, इस बार मूली भी इतनी अच्छी नहीं चली है, गाजर भी नहीं चली है, हालांकि मैं बहुत बार लगाकर थक चुकी हूँ। मेथी अच्छी चल रही है और मेथी को कबूतर वगैरह जो है वो अच्छे खासे तौर पर खा रहे हैं। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया है, मेथी, पालक, बथुआ, सोया, ये सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो, मटर हो गया, बैगन हो गया, और हमारा जितनी भी तरह की गोभियाँ होती हैं, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, और ओल होता है एक, वो भी आप ग्रो करके देखो, वो भी ग्रो हो जाएगा। जितनी भी विंटर वाली सब्जियां हैं वो आप इस टाइम पर दिसंबर के एंड में दोबारा से ग्रो करोगे। अगर आपके हाथ से दिसंबर चला गया, इसके बाद आप विंटर की सब्जी नहीं ग्रो कर पाओगे, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ही हमारा जनवरी एंड होता है या फर्स्ट वीक हमारा फरवरी का आता है, उसमें हम फिर अपना ग्रो करते हैं समर वाली सब्जियाँ। तो दिसंबर को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, भाग के जाइए, कुछ सीड ले आइए विंटर वाले और ग्रो करके ज़रूर देखिए। मेरे पास भी कुछ सीड पड़े हैं, अभी जैसे कि हम दिसंबर के एंड में जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाला दिसंबर, तो मेरे गार्डन में धूप का जो टाइम है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब कि 15 से 20 मिनट के करीब मेरे गार्डन में धूप और एक्स्ट्रा आने लगेगी। तो जितनी भी सब्जियों के नाम मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, वो सारी की सारी सब्जियां मैं दोबारा से ग्रो करूंगी। आप ये मत सोचना कि दिखाती तो कुछ और है, बताती कुछ और है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे छत पर धूप कम आती है। होप करती हूँ आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई हो, कोई मेरा भाई बहन मेरा वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ जो भी मैंने नाम बताए हैं उन सबको ग्रो करके देखियो, और ये मत सोचो कि खुद तो ग्रो नहीं करती है, जी कोशिश बहुत करते हैं बट धूप की कमी है। अगर कोई मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है जिनके पास धूप बहुत अच्छी आती है और वो ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन सबको ग्रो करके ज़रूर देखिए। सबका वीडियो चैनल पर है, किसको कैसे ग्रो करते हैं सब चैनल पर है, आप वहाँ जाकर सर्च मारिए, जैसे आपको गाजर ग्रो करनी है, हाउ टू ग्रो
रेडिस या पोटैटो, जो भी सॉरी मैंने पोटैटो नहीं बोला, पोटैटो और हमारा ब्रिंजल, सर्च मारिए और बगल में लिख दीजिए सिटी केटिवारिया, तो ज़रूर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। पालक, मेथी, बथुआ सब ग्रो करके देखो, सब कुछ हो जाता है। तो मैं भी ग्रो करूँगी, आप भी ग्रो करो, और जिसकी भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देखने के बाद उनकी कुछ भी ग्रो होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए, और या फिर मुझे इंस्टा पर अपनी पिक भेज दिया कीजिए, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ कि मेरा वीडियो देख कर किसी ने कुछ तो ग्रो किया। मैं नहीं ग्रो कर पाई तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो ग्रो किया, मैं उसे ही देख के खुश हो जाऊंगी। होप करती हूँ मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।